के कानून के पहले शिकार बने लालू यादव दूसरे केनन सिंह। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। भ्रष्टाचार अपराध को लेकर जब नई पहल शुरू, बिहार के नेता ही पहले शिकार हुए। 2019 में जब तत्कालीन केंद्र की मनमोहन सरकार की सरकार ने सजा याफ्ता नेताओं की सदस्यता समाप्त करने के लिए लाए गए ऑर्डिनेट का पहला शिकार लालू प्रसाद हुए। चारा घोटाला में सजा मिलने के बाद उन्हें इसी कानून के साथ लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। मालूम है कि लालू प्रसाद की पार्टी राजद केंद्र की यूपीए सरकार की प्रमुख अंग है। हालांकि मंत्रिमंडल के राजद का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय 10 जुलाई 2013 को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी सजा याफ्ता राजनेताओं की सांसद या विधानमंडल की सदस्यता नहीं रहनी चाहिए। केंद्र सरकार ने इसे रोकने के लिए ऑर्डिनेट लाने की पहल की थी, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऑर्डिनेट की काफी फाड़ कर अपना विरोध जताया था। बाद में उसे संसद में लाया गया। इससे हुआ कि चारा घोटाले की सजा मिलने के साथ ही उनकी सदस्यता भी समाप्त हो गई। अब केंद्र में आतंकवाद के मुकाबले को नया प्रावधान किया है। दूसरी बार सत्ता में लौटी भाजपा की सरकार ने हाल ही में संसद में दोनों सदनों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपीए को कानून का दर्जा दिया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति विशेष को भी आतंकवादी के दायरे में लाया जा सकता है। इस कानून के दायरे में कोई व्यक्ति या राजनेता आया तो वह है मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह। अनंत सिंह के आवास के AK-47 और सेना के इस्तेमाल होने वाले हैंड ग्रेनेड की बरामद की गई। ऐसी स्थिति में राज्य पुलिस ने श्री सिंह के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोहिबिशन एक्ट यूपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने जांच रिपोर्ट में श्री सिंह को इस कानून के तहत दोषी पाया तो उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती, साथ ही विधायकी भी खत्म हो सकती है। आपको क्या लगता है कि सिंह जी की विधायकी और सांसदी खत्म हो जाएगी? अपना कमेंट लिखकर जरूर बताएं।